गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी वास्तु कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे भाव के बारे में। तीसरा भाव यानी कि कामा। पहला भाव हम धर्म का बात कर चुके हैं, धर्म भाव की बात कर चुके हैं। दूसरा अर्थ, तीसरा कामा, और जिसे हम भाइयों का यानी छोटे भाइयों का, भाई बहनों का घर भी कहते हैं, भतृभाव भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इस भाव को हम कैसे देखते हैं, इस भाव से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसका कर्तृत्व किसके पास है, इसका भाव का कारक कौन सा ग्रह है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तीसरा भाव हमारे पराक्रम को भी दर्शाता है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव है, किसी तरह की भी आप कम्युनिकेशन कह लीजिए, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो डे टू डे लाइफ की भी, और हमारा जो पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके किसी चीज़ में इंटरेस्ट है वो भी हम इसी भाव को देखते हैं तीसरे भाव से, कम्युनिकेशन को लेके। ये भाव आर्ट्स से भी रिलेटेड है, आर्टिस्ट से भी लेके रिलेटेड है, और छोटे पर्दे से भी। छोटा पर्दा यानी कि टेलीविज़न, यूट्यूब, फेसबुक, इस तरह का जो छोटे पर्दे हैं, सिनेमा घर नहीं, सिनेमा घर जो है वो पंचम भाव से देखते हैं। तीसरा भाव से हम छोटे पर्दे पर जितना भी काम होता है वो तीसरे भाव से देखा जाता है। हमारे नेबर्स, हमारे गली के नेबर्स, और तीसरा भाव हमारी ईगो को भी दर्शाता है। चलिए इसको और डिटेल में देखते हैं कि हम इस भाव से क्या क्या देखते हैं। तीसरे भाव का जो कारक है वो मंगलदेव हैं। तीसरा ग्रह भाव का जो कारक ग्रह है मंगल, और मंगलदेव जो हैं ये, इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो साहस का है, छोटे बहन भाइयों का है, युद्ध का है। तीसरा भाव हमारे कान को दर्शाता है, पैर को भी दर्शाता है, सड़क को भी दर्शाता है, भूमि अथवा स्थान, मानसिक योग्यता, किसी दुख का कारण भी इसे कहा जाता है। किसी निकट जो संबंधी है वो हमारे फ्रेंड्स यानी मित्र, घूमना फिरना, छोटी यात्राओं का भी ये भाव कहलाता है। इसी तरह लाभ, शक्ति अथवा परिवार, वंश, नौकर भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप इन सभी कर्तृत्व को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पता लगेगा। छोटी यात्राएं, तीर्थ यात्रा, धार्मिक तीर्थ यात्रा जो होती है, छोटे बहन भाई, संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, साहस, बहादुरी, दायां कान, हाथ, लेखन, पुस्तक, समाचार, इन सभी चीज़ों का जो कर्तृत्व है वो तीसरे भाव के पास है। ये तीसरे भाव के डिपार्टमेंट ये चीज़ें आती हैं, और इसका जो कर्तृत्व स्वामी है, कारक स्वामी है, वो मंगलदेव हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ हैं और अच्छे स्थानों में विराजमान हैं, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनके रिलेटेड आपको हमेशा शुभ फल मिलेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से तीसरे भाव के बारे में पता लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।